हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे मैच नंबर 4 इंडिया वर्सेस हांगकांग के बीच में। गाइस जो मैच होने वाला है, काफ़ी क्वालिटी प्रीव्यू आपको दिया जाएगा। बिल्कुल गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में बहुत अच्छा कर सकते हैं आज के मैच में। आप यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले टाइमिंग की, तो देखो 7 बजे टॉस होगा, 7:30 पर मैच शुरू हो जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच होगा, जहाँ पर अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और जो ओपनिंग मैच हुआ था। बात करें गाइस लास्ट 2 मैचेस की यहाँ पर, तो सबसे पहले आप देखो किस तरीके की स्कोरिंग हुई है। पहले मैच में 105 पे ऑल आउट हो गई थी टीम, यहाँ पे चेज हो गया था 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे मैच में 147 पे ऑल आउट हो गई थी टीम, यहाँ पर 148 चेज हो गया था 5 विकेट के नुकसान पर। अब दोनों मैच में गाइस हमने क्या देखने को मिला कि विकेट किस तरीके से मिले हैं। पहली पारी में देखो लेफ्ट आर्म पेसर्स को 3 विकेट मिले, राइट आर्म पेसर को 1 विकेट मिला, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर को 4 विकेट मिले। वहीं दूसरी पारी में लेग स्पिनर को 1 विकेट मिला। दूसरे मैच में गाइस हमने देखा पहली पारी में राइट आर्म पेसर्स को 8 विकेट मिले, लेफ्ट आर्म पेसर्स को 2 विकेट, यानी पहली पारी में 10 के 10 विकेट पेसर्स को ही मिले हैं यहाँ पर। वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर्स को 2 विकेट मिले, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 3 विकेट मिले। तो इन शॉर्ट अगर हम लास्ट 2 मैचेस की बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा कि 14 विकेट मिले हैं पेसर्स को, 8 विकेट मिले हैं यहाँ पर स्पिनर्स को। तो ये है गाइस इस वेन्यू का सीन, दुबई का जो स्टेडियम है जहाँ पर आज मैच होने वाला है। यहाँ पर पेसर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पेसर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं जैसा हमने अभी देखा है लास्ट के मैचेस में। और जाहिर सी बात है ये जो 10 विकेट है इस 14 में, ये तो 10 पूरे कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही है। तो आज भी इंडिया का ही मैच है, तो फिर से हम देख सकते हैं यहाँ से गाइस जनरल पिच रिपोर्ट क्या कहती है कि फ्रेश पिच यूज़ होगी गाइस, हार्ड सरफेस होगा, ठीक है। बाकी जो भी फाइनल रिपोर्ट होगी, अभी एक जनरल पिच रिपोर्ट यही कहती है कि यहाँ पर DU नहीं होता है दुबई में, तो जो दूसरी पारी में भी है बॉलिंग करना यहाँ पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन गाइस जो एक्जैक्ट पिच रिपोर्ट है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बताऊंगा, और मैच के लोग तो मैच टॉस के टाइम बताते हैं, मैं आपको टॉस के भी पहले बता दूंगा, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले टॉस के बता दूंगा, ठीक है, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बात करें गाइस दोनों टीम का रिसेंट फॉर्म की, तो देखो यहाँ से इंडिया लास्ट 5 में से सिर्फ 1 मैच हारा है, वहीं हांगकांग भी लास्ट 5 में से सिर्फ 1 मैच हारा है। अब हांगकांग जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टीम्स के सामने तो नहीं खेलता है, लेकिन रिसेंट फॉर्म ये है, ठीक है। बात करें हेड टू हेड की, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो इंडिया देखो सॉरी हेड टू हेड की बात करें, वेन्यू की बात करें यहाँ से, इस वेन्यू के ऊपर जब इंडिया खेली है 5 मैच खेली है, उसमें से 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। हांगकांग इस वेन्यू पर 3 मैच खेली है, सिर्फ 1 मैच जीती है। बात करते हैं कि इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगा, तो इंडिया का यहाँ से आप देखो मेरे हिसाब से जो है रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अश्विन, आवेश खान, बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। भुवनेश्वर को मैं बाहर रख रहा हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा तो हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर गाइस अश्विन अच्छा खासा कर सकते हैं आज के मैच में, इसलिए मैंने अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया हुआ है। बात करें गाइस हांगकांग का प्लेइंग 11, तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। नज़ाकत खान, बाबर हयात, यास्मीन मुर्तज़ा जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, किंचित शाह राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, यहाँ से स्कॉट मैकनी, हरून अरशद, एजाज खान राइट आर्म मीडियम फास्ट, श्रीशान अली, एहसान खान राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, आयुष शुक्ला राइट आर्म मीडियम, और यहाँ से मोहम्मद गजनफर लेग स्पिनर। बात करें गाइस इस टीम की इंपॉर्टेंट जो 4 ओवर डालने वाले बॉलर्स हैं वो कौन है, यहाँ से गाइस मोहम्मद गजनफर, आयुष शुक्ला, एहसान खान और यहाँ से एजाज खान। ये गाइस हो गए आपके सामने 16 ओवर पूरे, बचे जो 4 ओवर वो यहाँ से यासिन मुर्तज़ा या किंचित शाह डाल सकते हैं। बात करें गाइस कुछ जनरल फैक्ट्स की, तो एहसान खान जो है गाइस एशिया कप क्वालिफायर्स जो हुआ था उसमें गाइस लीडिंग विकेट टेकर थे, 9 विकेट निकाले थे इन्होंने 3 मैच में एहसान खान जो है हांगकांग के। और गाइस जो 2018 में इंडिया के अगेंस्ट हुआ था उसमें गाइस एहसान खान ने ही रोहित शर्मा को और MS धोनी को डिसमिस किया था, ये चीज़ भी आपको एक फन फैक्ट के रूप में बता दिए मैंने। बात करते हैं गाइस यहाँ से स्क्वाड देख सकते हो आप, पूरा कंप्लीट इंडिया के पास ये स्क्वाड है, ठीक है। यहाँ से गाइस हांगकांग का स्क्वाड देख सकते हो, तो कम्प्लीट स्क्वाड ये है, अगर इनमें से कोई खेलता है तो यहाँ से जो बॉलर्स हैं वो मार्क हैं, ठीक है। बाकी प्लेयर का फॉर्म क्या है वो तो आपको फैंटेसी एप्लीकेशंस आजकल बता ही देते हैं, तो उसकी अब हमें दिक्कत इतनी नहीं होती है, कौन कैसे बैटिंग करता है बॉलिंग वो सब फैंटेसी एप्लीकेशंस आजकल बता ही देते हैं टीम क्रिएशन के वक्त। बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले देखो इंडिया का तो आप सब जानते ही हो, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड है, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेना, बिकॉज जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसे रोहित शर्मा ने लास्ट मैच 12 किया था, विराट कोहली ने 15 किया था, सूर्य कुमार ने 18 किया था, तो ये भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये आप देख लेना इंडिया का पूरा परफॉर्मेंस है यहाँ पर।
बात करते हैं गाइस यहाँ से। देखो लास्ट मैच में मेरा कैप्टन हर्षदीप सिंह था, वाइस कैप्टन शादाब खान था। हर्षदीप सिंह पहली पारी में इस वेन्यू पर 7 मैच में 13 विकेट थे, लास्ट मैच भी वो सॉरी 14 विकेट थे, लास्ट मैच 2 विकेट निकाल के गए थे। तो यही है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, कौन सी इनिंग में प्लेयर किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है, कितने मैच विकेटलेस गया। यहाँ से देखो चहल का गैप था 6 मैच में 8 विकेट, 6 मैच में 11 विकेट ऐसा था। चहल उस मैच में विकेटलेस गया था, हो सकता है आज के मैच में चहल अगर खेले तो मौका मिले। लेकिन ये जो स्टैट्स हैं इनिंग वाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वेन्यू पे प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अब देखो जैसा मैंने आपको बोला था रोहित शर्मा लास्ट कुछ मैचेस से यहाँ पर अटक रहे हैं। तो देखो 14-9-0-0 लास्ट के, फिर दूसरी पारी में यहाँ पर 8-1 और लास्ट के मैच में 12, तो वही हुआ ठीक है। इसलिए ये स्टैट्स जो है आप बिल्कुल देख लीजिएगा। बात करते हैं गाइस यहाँ से हांगकांग के प्लेयर्स की, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखो नज़ाकत खान ने इस वेन्यू पे पहली पारी में 59 किया, फिर 3 किया, दूसरी पारी में 0 पे आउट हुए। बाबर हयात ने 2 बार बैटिंग की, पहली पारी में 21 किया और 11 किया है। किंचित शाह ने दूसरी पारी में 4 किया। एजाज खान ने देखो 14 किया, फिर 1 विकेट निकाला दूसरी पारी में, फिर 2 विकेट निकाले पहली पारी में, 7 रन किया उस मैच में, नॉट आउट रहे थे, फिर 1 विकेट निकाला पहली पारी में और 5 रन किया दूसरी पारी में। तो ये था गाइस साहब परफॉर्मेंस एजाज खान का इस वेन्यू के ऊपर ठीक है। बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से यहाँ पर किया है, बॉलिंग से ही किया है ज़्यादातर, बैटिंग से तो 10 रन भी नहीं किए। स्कॉट मैकिनी यहाँ से गए, देखो 44 रन किए दूसरी पारी में। हारून अरशद ने विकेटलेस गए थे और 20 रन किया था दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए। एहसान खान का पहली पारी में 1 विकेट है, दूसरी पारी में 2 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर, और एहसान खान राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर भी है। मोहम्मद गजनफर ने पहली पारी में इस वेन्यू पे 1 विकेट लिया, दूसरी पारी में 6 नॉट आउट रहे। तो यही गाइस कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस वेन्यू पे खेला है, इनके बाकी तो कोई है नहीं, हेड टू हेड स्पेशल्स भी कोई नहीं है ठीक है। यहाँ से गाइस बात करते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स कौन से रहेंगे आज के मैच में। तो यहाँ से गाइस आप देखो हांगकांग की तरफ से पहले बात कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। और एक सजेशन, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम्स जो है कैप्टन वाइस कैप्टनसी तो आप इंडिया के भी प्लेयर्स को प्रेफर करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस तरीके से करेंगे ये भी बता देता हूँ। अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो इंडिया के बॉलर्स ऑब्वियसली आपके कैप्टन वाइस कैप्टन होने चाहिए, बिकॉज कोई भी बॉलर जो है आपका यहाँ से 2 से ज़्यादा विकेट निकाल सकता है तो वो आपका कैप्टन रहेगा फिर एंड में। क्योंकि अगर मान लो 100 रन भी बन गए तो 2 बल्लेबाज मिलकर बनाएंगे तो 50-50 ही जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है आपका वाइस कैप्टन हो सकता है। लेकिन कैप्टन तो फिर उस सिचुएशन में अगर 100 रन बन रहे हैं या 120 भी बन रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका कैप्टन इंडिया का बैट्समैन नहीं होगा ठीक है, बैटर इंडिया का नहीं होगा उस सिचुएशन में। आपके पास इंडिया का बॉलर कैप्टन होना मांगता है ग्रैंड लीग में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो इस सिचुएशन में आप कुछ टीम्स में ये रिस्क ले सकते हो कि बैटिंग जो बैटिंग कर रहा है इंडिया का बैट्समैन उसको कैप्टन दे दो, बॉलर को वाइस कैप्टन दे दो। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करे तो भी कुछ टीम्स में आपको बॉलर को ही देना है, क्योंकि बाद में ये हो सकता है बॉलर ज़्यादा विकेट ले जाए और बैटर से ज़्यादा पॉइंट्स आपको देके जाए, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं गाइस कुछ ट्रंप पिक्स। देखो अब 7-4 का तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग। तो 4 प्लेयर यहाँ से गाइस हांगकांग के कौन अच्छे रहेंगे यहाँ से हम देखो। सबसे पहले एहसान खान आपके लिए अच्छे रहेंगे बिकॉज इस वेन्यू पे दोनों ही पारी में उन्होंने किया हुआ है ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हाई प्लेयर भी हैं। एजाज खान आपके लिए अच्छे रहेंगे, कुछ टीम्स में स्कॉट मैकिनी को घुमा देना आप लोग ठीक है। बात करें यहाँ से गाइस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और यहाँ से रहेंगे नज़ाकत खान जो कि इस टीम के कैप्टन है, कैप्टन ही है ना भाई, एक मिनट मैं चेक कर लूँ ज़रा, इतना सुनते नहीं है ना हांगकांग के बारे में। हाँ नज़ाकत खान कैप्टन है हांगकांग के, तो एक ये प्लेयर है। तो ये गाइस कुछ प्लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखो कोशिश करना ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के चक्कर में पड़ना नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आफ्टर द टॉस। आप यहाँ से क्या करना 6 से 8 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के बना के रख लो अभी से ठीक है। इंडिया के प्लेयर्स का ऊपर स्टैट्स देख लेना वेन्यू, अभी और मैं बता देता हूँ कौन रहेगा स्पेशल ठीक है। 6 से 8 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के बनाना जिसमें से 6 आपके प्रॉपर होने चाहिए कॉम्बिनेशंस ठीक है, जो मैंने आपको हांगकांग के प्लेयर्स बताए हैं। बाकी के जो 2 कॉम्बिनेशन बचे उसमें आप हांगकांग के जो अदर प्लेयर्स हैं जिनको कोई टच भी नहीं कर रहा है ठीक है, लो सिलेक्शन वाले, उनको ट्राई कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ से गाइस आयुष शुक्ला को आप ट्राई कर सकते हो, गजनफर को ट्राई कर सकते हो ठीक है, ऐसे प्लेयर्स को आपको ट्राई करना है बिकॉज कौन कब बाउंस कर दे किसको क्या पता यार, तो ऐसे प्लेयर्स आप बिल्कुल ट्राई करना। बाकी गाइस मुझे क्या लग रहा है आज के मैच में यहाँ से देखो आप इंडिया की तरफ से केएल राहुल अच्छा कर सकता है आज के मैच में, खेलेगा तो ठीक है। यहाँ से गाइस आवेश खान भी अच्छा कर सकता है, चहल को लास्ट मैच में कुछ नहीं मिला था आज के मैच में हो सकता है मिले, बिकॉज लोग यही सोच के आएंगे कि चहल को हटा दो
टीम में से, ठीक है। चहल को हो सकता है आज के मैच में विकेट मिले यहाँ पर। यहाँ से गाइस अर्शदीप सिंह फिर से स्पेशल रहेगा, मेरे लिए तो हर मैच में स्पेशल रहता है। अश्विन खेलता है तो अश्विन ट्रंप हो सकता है आज के मैच में। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया के जिनको आपको ध्यान रखना। रोहित भी आज के मैच में अच्छा कर सकता है मुझे लग रहा है, अगर रोहित को फंसाने वाले आज के मैच में ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक है। एक एजाज खान से थोड़ा सा खतरा होगा, लेकिन अगर संभल के खेल लिया तो रोहित भी आज के मैच में अच्छा कर सकता है। तो यही गाइस कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है आज के मैच में, ठीक है। बाकी हांगकांग के जो प्लेयर्स बताएं उन पर फोकस करना है, जो लो सिलेक्शन वाले हैं, जो डिफरेंट प्लेयर हैं उनको भी आपको ट्राई करना है। एक एक टीम में विद स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इंडिया का 7-4 का, ठीक है। इंडिया के ही जैसा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताया है सिनेरियो के हिसाब से उसमें ट्राई करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बाकी देखो लास्ट वीडियो थी जो मेरी, उसमें भी मैंने कहा था कि भाई इंडिया की तरफ से मुझे लग रहा है अगर कोई बहुत जिम्मेदार है प्लेयर है कुछ रीसेंट टाइम में तो भाई वो हार्दिक पांड्या है। वो हार्दिक पांड्या ने प्रूव करके भी दिखा दिया, और रिसेंटली आप देखो कितनी बार हार्दिक पांड्या ने भी कैप्टनसी भी जब करी थी तो उस सिचुएशन में भी, जब देखो टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चल रहा था, कोहली नहीं चल रहे थे, रोहित नहीं चल रहे थे, तो हार्दिक पांड्या ही अच्छा करता था बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, ठीक है। आईपीएल में भी उसने देखो अपनी टीम को टाइटल जिताया। तो मैंने आपसे पहली वीडियो में यही कहा था कि कोई अगर जिम्मेदार है यहाँ से बहुत ज़्यादा जो कर सकता है अच्छा वो हार्दिक पांड्या ही है। तो देखो लास्ट मैच में उसने किया भी था, 3 विकेट निकाले, 33 नॉट आउट किया, लास्ट का 6 मार के हमको जीत दिलाई, ठीक है। और मैंने अपनी टीम में रखा था हार्दिक पांड्या को, बिल्कुल रखा था, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं दिया था। उसका रीज़न यही था कि इस वेन्यू पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। अभी ये 3 विकेट अभी हुए हैं, नहीं तो 10 मैच में 0 विकेट हैं थे हार्दिक पांड्या के पहले यहाँ पर इस वेन्यू पे, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी आप देखो 23-11-8, 15-3-3, 33-33 को छोड़ दें तो कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं हार्दिक पांड्या, इसलिए हमने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं दिया। बाकी डिफ़ॉल्ट थे बहुत से लोगों के, होंगे भी हार्दिक पांड्या कैप्टन वाइस कैप्टन, तो अच्छा है उन लोगों ने विन भी किया होगा। लेकिन वही बात है, यहाँ से आप ध्यान देना जो मैंने आपको अभी एक एडवाइस बताई है, ठीक है। अश्विन यहाँ पर अच्छा कर सकता है अगर खेलता है तो। बाकी केएल राहुल मुझे बैटिंग से लग रहा है आज के मैच में अच्छा करना चाहिए। पंत को खिलाएं ना खिलाएं अलग बात है, खेलेंगे भी तो थोड़ा नीचे खेलेंगे पंत, या तो राहुल और पंत से ओपनिंग ही करा दो, मैं तो कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। चलो एंड करते हैं वीडियो को। अच्छा हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ गाइज़ आपको, यहाँ से गाइज़ टेलीग्राम चैनल की तरफ चलते हैं पहले। ये गाइज़ अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट डाला था, आप लोग जाके देख लेना इसको, ठीक है, सुन लेना। इसमें मैंने बताया है कि भाई देख लो कल जो चैनल सब भौंक रहे थे दिन भर कि इतना बड़ा मैच है अफगानिस्तान और ये वो, ठीक है, रिज़ल्ट तक तो डाल नहीं पाए है, विनिंग ही नहीं होती है लोगों की तो रिज़ल्ट कहाँ से डालेंगे। बात करते हैं गाइज़ हमारी, तो यहाँ से देखो कल हमने टोटल अपने प्राइम जो हमारी सर्विस है एक छोटी सी उसमें हमने 4 मैच कवर किए थे। सामने आप देख सकते हो नेशनल T20 कप, ये भी एक अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया था। उसके बाद गाइज़ यहाँ से हमने कवर किया वेमेंस का 100, ये हमारी टीम देख सकते हो, डैनियल गिब्सन कैप्टन है, बैतमुनी वाइस कैप्टन, किसी की हिम्मत नहीं है स्मॉल लीग में सोफ़ी डिवाइन को ड्रॉप करने की, हमने ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ से गाइस सोफ़ी मोलोनिक्स जो सबकी वाइस कैप्टन थी उसको ड्रॉप किया, यानी हमने सबके कैप्टन वाइस कैप्टन ही ड्रॉप कर दिए थे, और फिर भी आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। ग्रैंड लीग में भी देखो कितना सा फ़र्क था, बहुत छोटा सा फ़र्क था, यहाँ से 3000 विन कर लेते नहीं तो आराम से। तो यही था, और उसके बाद देखो मेंस का 100, ये थी गाइस हमारी मेंस की 100 की टीम, लोग मोइन अली को कैप्टन बना के आए थे। यहाँ से हमारा क्रॉली वाइस कैप्टन था, अच्छा खासा रिजल्ट हमने इसमें भी लाया। तो हमने कल 4 मैच कवर करे, उसमें से 3 हमने विन करे। आज का गाइज ये हमारा शेड्यूल है, टोटल 8 मैच कवर होने। जिसको भी इंटरेस्ट हो यहाँ पर आके चैनल पर जाना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, @BFTFamily के ऊपर मैसेज कर देना, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। मैक्सिमम मैचेस क्लीन स्वीप हैं कि बिकॉज सारे ही मैचेस आप देखो तो क्वालिटी मैचेस हैं, ठीक है। CPL शुरू हो रहा है, रात में जब दुनिया सो रही होगी तो हम कमा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना कर लेना, 999 रुपीज़ लेते हैं, बहुत लोएस्ट सर्विस चार्ज है 28 दिन के लिए। जिसको भी ज्वाइन करना है मैसेज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।